हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइज कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप एक यूट्यूबर है और अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं लेकिन फिर भी व्यूज़ वहाँ पर जो है 6, 7, 8, 10 व्यूज़ इस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं, वीडियो आपकी ज़्यादा सर्च में नहीं जा रही है, आपने काफ़ी कुछ ट्राई भी कर लिया है, जैसे कि टाइटल अच्छे से टाइटल भी डाल के देख लिया है, थंबनेल भी कुछ यूनिक बनाने का ट्राई कर लिया है और टैक्स वगैरह भी, लेकिन फिर भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो क्या होता है, कई बार हम जो है सही से वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, उस वजह से भी हमारी वीडियो सर्च में नहीं जाती है, और जब तक सर्च में नहीं जाएगी तब तक रेकमेंड में भी नहीं जाती है। यूट्यूब उन्हीं वीडियोस को रेकमेंड करता है जो सर्च में आती है, प्लस उन पर बहुत जल्दी जो है रिस्पॉन्स आता है, तभी वो रेकमेंड में जाती है और वीडियो वायरल होती है। सही से वीडियो अपलोड करने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तभी आपको फ्यूचर में भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं किस तरीके से वीडियोस को अपलोड किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हमें यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर अपलोड ए न्यू वीडियो में जाना है। जो भी वीडियो आप अपलोड करना चाहते हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों टाइटल जो है हमें हमेशा सर्चेबल टाइटल लेना चाहिए, और ये पता कैसे करें कि टाइटल सर्चेबल है या नहीं, इसके लिए हमें गूगल क्रोम पे जाना होगा और दोस्तों ये देखना होगा जो भी हम टाइटल डालने वाले हैं वो सर्चेबल है या नहीं। ये वीडियो ज़्यादा व्यूज़ लाने के ऊपर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब। दोस्तों जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ वीडियोस के रिज़ल्ट आए हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, और यहाँ पर कुछ सजेशंस भी दिखाई दे रहे हैं, पीपल आल्सो सर्च फॉर, जो आप इन्हें टेक्स्ट में यूज़ भी कर सकते हो या फिर टाइटल में भी यूज़ कर सकते हो। नीचे आएंगे तो नीचे में यहाँ पर देखेंगे रिलेटेबल सर्च, तो यहाँ से काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी टाइटल में यूज़ कर सकते हो या फिर टैक्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पर सर्च किया था मैं वही अपने टाइटल में रखने वाला हूँ। टाइटल डालने के बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी आपको सेम कॉपी कर देना है। डिस्क्रिप्शन में हम आगे और भी चीज़ें डालेंगे, फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर इतना ही डाल रहे हैं। सेट विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी हमेशा अनलिस्टेड पर रखनी है, इसे तभी हमें विजिबल करना है जब हमें वीडियो पब्लिश करनी हो, मतलब हमारी वीडियो पूरी तरह से तैयार है, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैक्स सभी कुछ रेडी है, तभी हम इसे पब्लिक करेंगे या फिर सेटेस इंस्टेंट प्रीमियम पे करेंगे। फिलहाल हम इसे अनलिस्टेड पे रखते हैं। दोस्तों एक प्लेलिस्ट हमेशा आपको बना करके रखनी है। ये मेरा सेकेंडरी चैनल है तो यहाँ पर मैंने जो उसी नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और दोस्तों नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑडियंस सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ अगर आप किड्स के लिए वीडियो बना रहे हैं तभी आपको यस इट्स मेड फॉर किड्स सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देंगे। वीडियो हमारी अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, अब हमें वेट करना है और इसके बाद हमें वाइट स्टूडियो को ओपन कर लेना है। दोस्तों वीडियो अपलोड हो चुकी है, अब हमें इसे वीडियो पे क्लिक करना है और एडिट में जाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर थंबनेल को चेंज करना है, यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट, दोस्तों अब हमें टैग्स डालने हैं। टैग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका चैनल नया चैनल है और ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो टैग्स का बहुत बड़ा रोल होता है व्यूज़ लाने में। दोस्तों टैग्स सेलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहला टैग तो हम वही डाल देंगे जो हमने टाइटल में डाला है। इसके बाद हमें एक ऐप को ओपन करना है जो है टैग यू। दोस्तों ये ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की हुई है तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा ऐप है, इसकी हेल्प से आप टैग फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पर हमें सबसे पहले यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है वापस से, और यहाँ में जो भी हमारा ये टाइटल है इसको यहाँ पर सर्च करेंगे तो हमें काफ़ी सारे यहाँ पर रिज़ल्ट दिखाई देंगे। जो भी यहाँ पर टॉप 4 टॉप 5 वीडियोस हैं इनके हमें लिंक को कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और शेयर पे जा कर के यहाँ से लिंक कॉपी कर लेंगे। हमें टैग यू ऐप को ओपन करना है और यहाँ से पेस्ट कर लेना है। अब देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं,
इनमें से हम एक या दो टैग को ही कॉपी करेंगे। इसी तरीके से जितने भी हमारे वीडियो, चार या पांच वीडियो में से एक एक दो दो टैग्स हमें यहाँ से कॉपी करने और अपनी वीडियो के टैग्स में ऐड कर लेने हैं। तो चलिए यहाँ से मैं फिलहाल एक टैग कॉपी कर ले लेता हूँ। अब ऐसे ही हमें दूसरी वीडियो के साथ भी करना है। यहाँ से शेयर पे जा करके लिंक को कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम पेस्ट कर लेंगे। फिर हमें चेक पे क्लिक करना है। दोस्तों इसका भी हम फर्स्ट जो टैग है उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से जब आप चार या पांच वीडियो के जो टैग्स हैं उनमें से एक एक दो कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हमें गूगल क्रोम पर वापस आने हैं और यहाँ हमने जो सर्च किया था तो आप यहाँ देख सकते हो रिलेटेड सर्च काफ़ी सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो दो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कैटेगरी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसे हम ध्यान भी नहीं देते हैं। कैटेगरी हमेशा वही चूज़ करनी है जिससे रिलेटेड हमारी वीडियो है। एग्जांपल के तौर पे हमारी वीडियो कॉमेडी की है, एक्टिंग की है, तो हमें यहाँ पर कॉमेडी में जाना होगा। और हमारी वीडियो न्यूज़ से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स को सिलेक्ट करेंगे। ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चूज़ करेंगे। यहाँ पर जब हम टैग्स ऐड कर लेंगे और यहाँ पर कैटेगरी भी हमने चूज़ कर ली है, लास्ट में हम फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन में आएंगे और जो भी हमने टैग्स डाले हैं वो यहाँ लाइन से पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हम हैशटैग का भी यूज़ करेंगे। हैशटैग का यूज़ करना इजी है, सिर्फ हैश लिखना है और हमें यहाँ पर यूट्यूब टाइप करेंगे तो हमारे यूट्यूब व्यूज से रिलेटेड यहाँ पर हैशटैग दिखाई देंगे। तो आपको वो हैशटैग यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। एटलीस्ट 3 से 4 यहाँ पर आप हैशटैग यूज़ करने हैं। दोस्तों ये सारी डिटेल डालने के बाद लास्ट में आपको पब्लिक पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव कर देना है। दोस्तों ये था इस वीडियो में। अब वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट इसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।